नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं कि क्यों आखिर फ्लाइट्स के अंदर कार्गो लगेज के अंदर आपके पावर बैंक्स को ले जाना सख्त मना है। जी हां, इनके ऊपर कंप्लीटली बैन है। आखिर ऐसा क्यों है, चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के अंदर जिसका नाम है सिंपल सर रे। नमस्कार दोस्तों, मैं वीर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस एपिसोड के अंदर जिसका नाम है सिंपल सर रे एंड आप देख रहे हैं टेक्निकल गॉसिप। चलिए आज के वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको जानकर ये हैरानी होगी कि आप किसी भी तरह के पावर बैंक को अपने फ्लाइट के अंदर जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो कार्गो के अंदर आप लेके नहीं जा सकते। आपको उसके लिए अपने फ्लाइट या फिर कैबिन लगेज के अंदर ही उसको लेकर ट्रैवल करना होगा। अक्सर एयरपोर्ट्स में हम लोग देखते हैं जो बहस करते हैं उन एयरपोर्ट अथॉरिटीज के साथ, उनको ये पता नहीं होता है कि IATA जो कि एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसने ये बैन कर रखा है पावर बैंक्स को कार्गो लगेज के अंदर ले जाना। दोस्तों हाल ही में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जिनकी वजह से IATA ने ये बैन लगाया और 2017 से ये बैन है। और अक्सर देखा जाता है कि एयरपोर्ट्स पे लोग बहस करते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटीज से कि यार क्या प्रॉब्लम है, ये नॉर्मल चीज है, मोबाइल भी तो है, मोबाइल के अंदर भी तो बैटरी होती है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है पावर बैंक के अंदर की उसको बैन कर रखा है। आपको अगर पता हो दोस्तों तो पावर बैंक बनाया है लिथियम आयन से और इनको बैटरी की कैटेगरीज में रखा जाता है और ये एक्सप्लोड कर सकती है या फिर ये शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकती है जब भी अभी ये कार्गो के अंदर होती है। और क्योंकि जो कार्गो का जो स्पेस होता है वो आपके इंजन के जस्ट पास में होता है जिसकी वजह से टेम्परेचर्स काफ़ी टाइम बढ़ जाते हैं और जब आप कैबिन के अंदर ट्रैवल करते हैं तो उतनी ज़्यादा हीट का इशू वहाँ पर रहता नहीं है। तो दोस्तों ये एक रीज़न है जिसकी वजह से आप फ्लाइट के अंदर कार्गो के अंदर यानी कार्गो लगेज के अंदर अपनी पावर बैंक लेके ट्रैवल नहीं कर सकते। और वहाँ के एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ जो होगी वो आपसे इंसिस्ट करेगी कि पावर बैंक को निकाल के अपने कैबिन लगेज या फिर फ्लाइट लगेज के अंदर उसको डाल दें, उससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों, पास में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जिसकी वजह से उनके फ्लाइट्स के अंदर या उनके लगेज रूम के अंदर आग लग गई थी जिसकी वजह से उन्होंने एक एज अ सेफ्टी मेजर लेना शुरू कर दिया। और जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो आपका कार्गो का जो स्पेस होता है वो इंजन के जस्ट पास में होता है एंड वहाँ पे किसी तरह का कोई एयर कंडीशनिंग या कोई दूसरी तरह की चीज़ होती नहीं है जिसकी वजह से टेम्परेचर काफ़ी अच्छे मात्रा तक ऊपर चले जाते हैं जिसकी वजह से वो बैटरीज ब्लास्ट कर जाती हैं और एक शॉर्ट सर्किट का कारण बनती है जिसके सारे पैसेंजर्स की जो लाइफ है वो रिस्क पे आ जाती है। इसीलिए IATA जो कि एक इंटरनेशनल बॉडी है उसने कंप्लीटली बैन लगा रखा है कार्गो के अंदर आप किसी तरह के पावर बैंक बैटरीज ले जाने के लिए। तो चलिए दोस्तों ये था मेरा छोटा सा वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कार्गो लगेज के अंदर आप क्यों नहीं ले सकते किसी तरह के पावर बैंक या किसी तरह की बैटरी को। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे फेसबुक पेज भी फॉलो कर दीजिए, सबके लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और अगर इंस्टाग्राम पे आपने अभी तक फॉलो नहीं किया ना तो मतलब कर दो, मजा आ जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में जिसका नाम है ट्यूजडे टॉक्स। तब तक के लिए थोड़ी बहुत और भी वीडियोस देख लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर दीजिए। बाय बाय, जय हिंद।